हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन। और आज हम कुछ अलग, वही वेज और वही नॉन वेज से अलग, कुछ अलग बनाने जा रहे हैं हमारे किचन में। इंस्टेंट बनने वाला, बस प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये फटाफट बन जाता है। तो आप ये इंग्रेडिएंट्स देखकर तो अंदाज़ा लगा सकते हो हम क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने राइस रखा है, यहाँ अंडे रखे हैं, यहाँ पर सारे कैबेज कैरेट रखा है। तो यस, हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस। कुछ चाइनीज़ आज ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हमने क्या क्या लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइस को पूरा पका लिया है, बॉईल कर लिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी राइस बनाना चाहते हो, बासमती या फिर यूजुअली लंबे राइस ही यूज़ किया जाता है, तो आपके ऊपर है। तो आपको सिर्फ उसे 5-10 मिनट भिगा के रखना है एंड साइड में आपको गर्म पानी चढ़ा देना है। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके आपको राइस पका लेना है और एक छलनी की मदद से निकाल के इस तरह से प्लेट में, बड़े बर्तन में निकाल देना है ताकि वो सूख जाए। तो यहाँ पर मेरा 400 ग्राम्स राइस है। अगर आपको वाटी के हिसाब से बोलूँ तो मैंने 2 बड़े बड़े कटोरी ली है, और अगर ग्राम्स के हिसाब से बोलूँ तो 400 ग्राम ये पूरा राइस बनकर है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं। तो 200 ग्राम राइस के लिए हम 3 अंडे यूज़ करते हैं। यहाँ डबल क्वान्टिटी है इसलिए मैंने डबल। और काली मिर्च का प्रपोर्शन मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अंदाज के हिसाब से डालना है। फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून निकाल के रखा है। देन यहाँ पर रेड चिली सॉस है, आप कितना तीखा पसंद करते हो। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून चिली सॉस लिया है। यहाँ पर वाइट सिरका है, विनीगर, तो ये वाइट विनीगर है, ये भी 2 टेबलस्पून है। तो जो क्वांटिटी हमने 2-2 करा है वही 2 टीस्पून हमारी सोया सॉस है। तो यहाँ पर जो विनीगर है आप डार्क भी ले सकते हो, यहाँ पर मेरे पास वाइट अवेलेबल था इसलिए मैंने वाइट लिया। यहाँ पर मैंने मैगी क्यूब्स लिया है जो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये 400 ग्राम के लिए दोनों मैगी क्यूब्स डालने वाली हूँ। इसमें 2 पीस आते हैं, अराउंड 27 रुपीज़ का कुछ आता है। तो आपके पास नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, बिना इससे भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली है, तो आपकी ऊपर सब्जियाँ की चॉइस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है, उससे रफली चॉप कर लिया है। वैसे ही 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर लिया है, अदरक लिया है। यहाँ पर मुझे जितना तीखा पसंद है तो मैंने 6 से 7 मिर्चियाँ ली है, उसे बारीक रफली चॉप किया है। यहाँ पर ये दोनों हरा प्याज का है, तो यहाँ इसकी हरा है और यहाँ उसकी सफ़ेदी है। तो यहाँ पर मैंने 20 रुपये के 2 बंडल्स आते हैं, आई मीन टू से कि छोटे छोटे 10-10 रुपये के प्याज की जुड़ी आती है, तो मैंने यहाँ पर 2 जुड़ी ली हुई है। तो यहाँ पर सफ़ेदी कट करके रखा है, यहाँ पर लास्ट में जो हम गार्निश करते हैं वो, यहाँ एक बड़ा सा गाजर जिसे ग्रेट कर लिया है, यहाँ 2 कप मैंने कैबेज लिया है उसे भी श्रेड कर लिया है, और यहाँ पर हमने कैप्सिकम 1 ही ली है, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। दूसरी चीज़, आप इसमें बीन्स डाल सकते हो, आपको जो सब्जी अच्छी लगती है आप बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बनाते। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अंडों को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो अंडे हम नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा ये फीका लगते हैं ना इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक साइड में हमने कढ़ाई गरम कर दी है और तेल उसमें डाल दिया है, उसमें हम अंडे डाल के फटाफट उसे सौटे करके निकाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसे हम डाल देंगे और तुरंत इसे हम घुमाने लग जाएंगे ताकि ये भुर्जी जैसा क्रम्बल हो जाए। हमें इसे ऑमलेट जैसा लंबा नहीं फैलाना है, इसे टुकड़े टुकड़े में करने हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्रम्बल हो गए हैं, मैं इसे निकाल देती हूँ। हमें ओवर कुकिंग नहीं करना है, बस फास्ट फ्लेम पे, बस। तो ये निकाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारे एग जो है इस तरह से हो गए हैं, मैंने साइड में निकाल दिया है। फिर से हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तो 2-3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसे गर्म होने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइनीज़ जो आइटम रहती है हम जो बनाते हैं उससे एकदम फास्ट
हाई फ्लेम पर ही बनाया जाता है, ज़्यादा पकाते नहीं है, कच्चा पक्का खाते हैं, इसलिए सारी सब्जियाँ हम सिर्फ 2-3 सेकेंड्स के लिए या फिर 2-3 मिनट के लिए आप बोल लो सॉटे करेंगे। तो अब फटाफट काम करना है, जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया है हम लहसुन डाल देंगे, अदरक मिर्ची, ये सफ़ेद प्याज, इस सबको 1-2 सेकेंड्स के लिए बस जस्ट इस तरह से सॉटे करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम ये हमारे गाजर, मैंने पतले पतले इसलिए ग्रेट किए ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लेने पड़े इसे पकने के लिए। ध्यान रहे फ्लेम हाई रहे, जले ना। और ये जो मैगी क्यूब्स थे वो हम डाल देंगे इसी स्टेज पे ताकि ये मसाले में ये हो जाए, पिघल जाए। साथ ही में ये कैबेज और कैप्सिकम भी डाल देंगे। जैसे कि मैंने कहा ये मिनटों में बन जाती है फटाफट, ओनली प्रिपरेशन के लिए टाइम लगता है, प्रिपरेशन के लिए भी हार्डली 5-7 मिनट। फटाफट कट करिए, रख दीजिए, जब बनाना हो गरम गरम खाना हो तब तुरंत बनाइए और खाइए। तो आप देख सकते हैं हमने 1-2 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पे सॉटे किया है। अब ये मैं सारे अंडे डाल दूंगी इसमें, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो कलरफुल आपको दिख रही होगी वेजीज। बस इस स्टेज पे अब हम हमारे राइस डाल देंगे इसमें। अगर आपको लग रहा है बड़े बड़े हो अंडे तो थोड़ा सा तोड़ लीजिए। तो इस तरह से हम डाल लेंगे। तो अब हम सोया सॉस डाल देंगे, चिली सॉस, और बड़े ही प्यार से इसे मिक्स करेंगे और 5-6 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें हमारे स्वाद अनुसार ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, अराउंड 1/2 टीस्पून जितना, मिक्स कर लेंगे ऊपर से नीचे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्राइड राइस बन के रेडी है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम छुट्टे छुट्टे खिले खिले और कलरफुल हमारा एग फ्राइड राइस बनकर रेडी है, मिनटों में बन जाता है। आप भी ट्राई करिएगा, बाहर से लाने से अच्छा आप घर में आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को बना के दीजिएगा। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी, हमें कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा या नहीं लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।